नमस्ते, वेलकम टू ललिताज चूल्हा चौका किचन। दिवाली के त्यौहार पे हम चकली तो बनाते हैं, लेकिन भाजनी वाली चकली में जो मज़ा है वो और चकली में नहीं है। तो आज हम बनाने वाले हैं भाजनी की चकली। चकली की भाजनी बनाने के लिए हमने यहाँ आधा कटोरी मूंग दाल लिया है और यही कटोरी से हमने सब सामग्री नाप लिया है। तो हमने यही कटोरी से चार कटोरी चावल लिया है जो कि हमने धो के सुखा लिया है, और इसके लिए हमने जाड़ा चावल यूज़ किया है। इसी कटोरी से हमने दो कटोरी चना दाल, एक कटोरी उड़द दाल और एक कटोरी पोहा लिया है। भी यहाँ हमने ये चम्मच से एक टेबलस्पून जीरा लिया है और एक टेबलस्पून धना लिया है, साबुत धनिया। अभी ये तो हमें भूनना है, लेकिन ये जो दालें हैं पोहा छोड़ के हमें सब दालें गीले कपड़े से पोंछ लेना है। ये देखिए, हमने थोड़ा सा कॉटन का कपड़ा गीला किया है और उस पर हम हमारी दालें पोंछ लेंगे। अच्छी तरीके से हमें पोंछना है। अभी हमारी सब दालें पोंछी गई है। अभी हम इसकी भाजनी बनाएंगे। यहाँ हमने पैन में चावल लिए हैं चार कटोरी, और इसे हम धीमी आंच पे भूनेंगे। हमें हल्का भूरा रंग आने तक इसे भूनना है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा अगर भूने तो हमारी चकली काली पड़ सकती है। तो लगभग 2 या 3 मिनट के लिए हमें इसे लगातार चलाना है। ये देखिए, हल्का कलर चेंज हो गया है चावल का, और चावल गर्म लग रहे हैं हाथ को, तो हम ये चावल को निकाल लेंगे। अभी इसी पैन में हम चना दाल भूनेंगे, इसे भी हमें हल्का ही भूनना है। मेरी भाजनी की और एक रेसिपी है जो कि दिवाली फराल के प्लेलिस्ट में है, आप उसे भी ट्राई कीजिए। ये देखिए, धीमी आंच पे हमने इसे 2 या 3 मिनट तक भून लिया है। अभी इसको भी हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें उड़द दाल और मूंग दाल को भी भूनना है, पोहा भी भून लेंगे। ये देखिए, हाथ से टूट रहा है, यानी हमारा पोहा भी भून गया है। और इसी पैन में हमें जीरा भी भूनना है और साबुत धनिया भी भून लेना है। ये भाजनी देखिए हमारी अच्छी तरह से भुनी गई है, हमने बहुत ही हल्का भुना है इसे। अभी इसे हम पूरा ठंडा कर लेंगे। हमने कॉटन के कपड़े पे इसे डाल लिया है और हमें इसे अच्छी तरह से ठंडा करना है, और बाद में चक्की में महीन पिसवा लेना है। अभी यहाँ प्लेट में हमने 1 कप भाजनी का आटा लिया है, ये आधा कप है और ये आधा कप, ऐसा 1 कप हमने पानी नाप लिया है और इसे हमें गर्म करना है। अभी ये भाजनी के आटे में हमें बहुत ही कम हल्दी डालनी है, ज़्यादा हल्दी डालें तो हमारा चकली का कलर बदल सकता है। मिर्च पाउडर डालेंगे, जैसे तीखा कम ज़्यादा खाते वो हिसाब से आप डालें। इसमें हमने 1 छोटा चम्मच तिल लिया है सफ़ेद, 1/2 टीस्पून अजवाइन लिया है, नमक लिया है स्वादानुसार। अभी ये सूखे मसाले हम ये आटे में पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिर्च और नमक इसको भी टेस्ट कर लेंगे ये स्टेज पे, अगर कम ज़्यादा है तो उसकी मात्रा हम बराबर कर लेंगे। अभी यहाँ हमने 1 टेबलस्पून देसी घी डाला है जो कि मेल्ट किया हुआ नहीं था, और यही चम्मच से हमें 1 टेबलस्पून गरम तेल डालना है। तो ऐसा हमने
घी और तेल का मोइन डाला है। देसी घी या बटर डालने से आपकी चकली का जो कुरकुरापन है बहुत ही बढ़िया आता है, इसलिए हमने यहाँ घी डाला है। अभी ये मोइन हम चकली के मिक्सर में सब तरफ लगा लेंगे। यहाँ हमने गर्म पानी लिया है आधा कटोरी और उससे हम यह आटा लगाएंगे। आटा हमें सख्त लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। थोड़ा सा गर्म पानी डाल के हमने आटा बाइंड कर लिया है और अभी 15 मिनट के लिए इसे ढक के रखेंगे। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं और अच्छी भाप पकड़ लिया है अंदर कटोरे ने। अभी जो गर्म किया हुआ ठंडा पानी है उसी से हम ये आटा लगा लेंगे। आटा हमें कड़क ही लगाना है। चकली मेकर को हमने अंदर से तेल लगा लिया है और अभी ये जो आटा है ये इसमें हम डालेंगे और इससे चकली बना लेंगे। ये देखिए इधर भी हमारी चकली की तार टूट नहीं रही है, बहुत ही बढ़िया से हमारा आटा लग गया है और इसी तरह से हम चकली बना लेंगे। चकली का जो बीच का पोर्शन है हमें गोल ही रखना है ताकि सब चकलियाँ हमारी गोल ही बने। कढ़ाई में तेल को हमने हाई फ्लेम पे गरम कर लिया था और अभी गैस की फ्लेम हमने धीमी किया है और इसमें हम एक टुकड़ा डाल के देखेंगे। देखिए आराम से ऊपर आ रहा है, तो अभी हम इसमें पहले एक चकली डाल के देखेंगे कि हमारा तेल का टेम्परेचर बराबर है या नहीं। देखिए जो गोला हमने डाला था वो फूट गया है, तो आप सावधानी रखें चकली फ्राई करते वक्त। ये देखिए चकली हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो रही है और चकली तलते वक्त गैस की फ्लेम हमें मीडियम और लो के बीच में ही रखनी है। ये देखिए इस तरह से हमारी चकली फ्राई हो गई है, इसे हम निकाल लेंगे और बाकी की चकलियाँ हम डालेंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा भी हमें डालना नहीं है और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही बुलबुले कम होते हैं उसके बाद में हमें चकली को उलट पलट करके उसे सेकना चाहिए ताकि वो अंदर से भी फ्राई हो जाए। चकली को हमें एक जैसा ही फ्राई कर लेना है, नहीं तो उसका कलर कम ज़्यादा हो सकता है। ये देखिए चकली अभी नीचे तले को बैठ रही है, तो अभी हम इसे निकाल लेंगे। इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है, हम इसे एक जैसा ही सेक लेंगे। अभी हम चकली को निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पर और बाकी की चकलियाँ भी डाल देंगे कढ़ाई में। चकली का कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है और खाने में तो मज़ेदार है ही। तो आप भी इस दिवाली पे भाजने वाली कुरकुरी चकली ज़रूर बनाइए और दिवाली की और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट दिवाली फराल ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।